सुगम, सुरक्षित और आरामदायक। वेस्ट खाली यहाँ का, और इसमें आप भरोसा नहीं करेंगे मेरा, मतलब इतना अच्छा खाना। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। और मुझे उम्मीद है आप सब कोरोना महामारी से जो है सुरक्षित है। मैंने कम्युनिटी में एक पोल डाला था कि भैया आपको सबसे पहले कौन सी आरटीसी की वीडियो देखनी है, आप लोगों ने आंसर दिया था UPSRTC। तो लो भैया, आपके लिए पेश है UPSRTC की ब्रांड न्यू वॉल्वो, ब्रांड न्यू सर्विस, ऑपरेटेड बाई पवन हंस। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ आलमबाग बस स्टेशन पे, जो कि फिर से है एक वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन। अभी भी जो है थोड़ा थोड़ा काम बचा है इस पर, लेकिन देख लीजिए एकदम जो है साफ़ सुथरा बस स्टेशन है। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर वगैरह मैंशन है बिल्कुल। और यही तो चीज़ है जो आपकी रोड ट्रैवल को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है, आपकी ट्रैवल को और कम्फर्टेबल बनाती है, सेफ बनाती है। आप बस पकड़ने से पहले वेट कीजिए, वेटिंग लाउंज है, जगह जगह जो है खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह है, और सिक्योरिटी के मामले में चेकिंग वेकिंग वो भी सब चल रहा है। तो बढ़िया भैया, बस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल मैं बता दूँ आज की जो जर्नी होने वाली है, वो होने वाली है फ्रॉम लखनऊ टू इलाहाबाद, फ्रॉम लखनऊ टू प्रयागराज। और आज हम जाएंगे वॉल्वो BATR में। ऑपरेट कर रहा है पवन हंस, UPSRTC की सर्विस है लेकिन उसको ऑपरेट करता है पवन हंस। और बसें जो है लीज है फ्रॉम कॉन्डस्कर। तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दूंगा, और भी बिल्कुल ब्रांड न्यू रूट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, इंटीरियर्स, एमिनिटीज़, क्या क्या फीचर्स है इस बस के वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ बढ़िया वाले सिनेमैटिक्स के साथ। वेलकम ऑन बोर्ड वॉल्वो BATR बस। इंटीरियर्स देख लीजिए कुछ इस तरह से, आपको जो है 2x2 पुश बैक सीट्स मिलते हैं। हाँ, टोटल बस में जो है 43 सीट्स हैं, यहाँ पे जो है दो सीट्स मिसिंग है, मतलब इमरजेंसी एग्जिट वाले। और फीचर्स की बात करें, आपको जो है इसमें चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, USB चार्जिंग पॉइंट। इधर आपका पानी बोतल आ जाएगा, इधर आपका कुछ सामान आ जाएगा। और सेफ्टी की तरफ से बात करें, आपके पास क्या क्या है मैं बता देता हूँ। आपके पास सबसे पहले तो हर जगह इमरजेंसी एग्जिट है, उसको तोड़ने के लिए हैमर। और लेडी पैसेंजर्स के लिए खास करके एक फ़ीचर है, अगर मतलब कोई भी परेशानी होती है आपको जर्नी के दौरान, तो आपके लिए एक पैनिक बटन है ये वाला। तो जैसे ही आप इसको दबाते हैं, तुरंत जो है क्रू के पास मैसेज आ जाएगा कि ये जो है प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो तुरंत जो एक्शन कुछ हो जाएगा। और साथ ही में सेफ्टी के लिए आपको सिस्टम पता है वॉल्वो का, मोस्ट सेफ व्हीकल, और फायर अलार्म वगैरह वो सब तो है ही। तो फिलहाल ये है, जैसे हम निकलते फ्रॉम लखनऊ, मैं आपको इस बस का सारा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और बाकी जो भी रूट से जो कि पवन हंस ऑपरेट कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए, सुगम, सुरक्षित और आरामदायक। सुगम मतलब आप इजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं, सुरक्षित ऑब्वियसली मैंने आपको अंदर दिखा दिया क्या क्या आपकी सेफ्टी के लिए अवेलेबल है, और आरामदायक। भैया नाम ही है वॉल्वो, तो आरामदायक तो होगा ही। तो बोर्डिंग पॉइंट की बात करें, ये आलमबाग बस स्टेशन पे चलती है, प्लेटफॉर्म नंबर 29 से, मतलब आप मेट्रो वाले साइड से एंटर करेंगे ना, तो ये पहला प्लेटफॉर्म हुआ। तो चलिए डिपार्चर टाइम होने वाला है, निकलते हैं फ्रॉम आलमबाग बस स्टेशन लखनऊ। गाइस फिलहाल निकल रहे हैं आलमबाग बस स्टेशन लखनऊ से, और डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस होगा 200 किलोमीटर लखनऊ से प्रयागराज तक का। रूट जो है वो होगा मोहनलालगंज, रायबरेली, कोंडा होके। तो गाइस फेयर की बात करें, वो है 538 रुपये अगर आप डायरेक्टली बस में आके बुक करते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपको सीट मिलेगा। तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो फिलहाल निकलते हैं, हाईवे पे पहुँचते हैं, और आपकी जो है कैबिन राइड्स वगैरह करा देते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी गुड, मतलब सब स्टाफ आप जो है मास्क में, तो कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं पहन लेता बस, ये तो वीडियो के लिए खोलता हूँ।
फिलहाल गाइस हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 30 से, और थोड़ी देर पहले मोहन लाल गंज क्रॉस कर गए, तो ऐसा ये 4 लेन रोड है। फिलहाल 50 किलोमीटर बाद जो है रायबरेली आएगा। रेस्ट स्टॉप वगैरह जहाँ भी रुकेंगे चाय पानी के लिए, मैं आपको दिखा दूँगा रेस्ट स्टॉप हाइजीन वगैरह और क्या क्या मिलता है वगैरह वगैरह, क्योंकि आप ट्रैवल करोगे उससे पहले से आपको थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बस के थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ आपको। दिस इज़ वॉल्वो V8R बस। इसमें जो है एयर सस्पेंशन, यानी अगर बस गड्ढा वड्ढा के ऊपर से जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। अंदर आपकी राइड बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है, बाहर भले कुछ भी हो, और बिल्कुल स्मूथ राइड चल रही है अभी भी। जैसे आप देख सकते हैं वॉल्वो के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, 9400 cc डिस्प्लेसमेंट है और 6 सिलेंडर जो है आपका इंजन है, D8C इंजन। बस यही बात है फिलहाल आपकी। कुछ 10 मिनट्स करा देते तो आप एंजॉय कीजिए। तो टोटल जो है 6 रूट है, लखनऊ प्रयागराज हो गया, लखनऊ अलीगढ़ हो गया जो कि आगरा होकर जाती है, लखनऊ देहरादून हो गया और दिल्ली देहरादून, दिल्ली बरेली, ये दो जो भी है, एक कौन सी रह गई, लखनऊ चंडीगढ़, लखनऊ चंडीगढ़। हाँ, तो 6 रूट्स टोटल हैं। आप इन 6 रूट्स में जो है वॉल्वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बहुत अच्छी सेवा है और फेयर के हिसाब से आपको जो सर्विस ज़रूर मिलेगा। आपको भले ही लग रहा होगा फेयर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो है इसमें 2x2 पुश बैक सीट्स हैं, AC बस है, बिल्कुल आप कम्फर्टेबली अपनी जर्नी कर सकते हैं। रात की सर्विस भी होगी तो आप एकदम आराम से सो के जा सकते हैं बस में, जो बिल्कुल कोई नॉइज़ नहीं आता बाहर से, और यही है फिलहाल। आप जर्नी को एंजॉय कीजिए, बाकी बातें तो बाद में होती रहेगी। पहुंच के भैया रायबरेली, और लखनऊ से जो है रायबरेली का 217 रुपये किराया है। तो अगर आपको रायबरेली आना है तो आप ये बस ले सकते हैं, लेकिन ये बस स्टैंड पे नहीं जाती क्योंकि प्रयागराज से जाना होता तो समझे टाइम थोड़ा सा ख़राब होता, तो बस स्टैंड पे नहीं जाती, आपको जो है मेन रोड पे मतलब उतार देंगे। और हर जगह जो है बाईपास सर्विस मैंने जैसा मैंने बताया, तो इसके बाद जो बोला है कि रेस्ट स्टॉप है, तो भैया एक बार पहुँच रेस्ट स्टॉप पर और आपको दिखाते हैं भाई हाइजीन वाइजीन जो है कैसा है, क्या क्या मिलता है, और चाय पानी करते हैं फिर चलते हैं प्रयागराज।
तो गाइज दोपहर के 12:30 बज गए और ऊंचाहार पहुंच गए रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में और बस हमारी रुकी है एक छोटे से चाय ब्रेक के लिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे जर्नी। अच्छा वैसे रोड जो है अभी 2 लेन हो गई, रायबरेली तक 4 लेन थी तो अभी 2 लेन रोड हो गई, लेकिन भाई चला रहे मस्त एकदम, मतलब स्किल्ड कैप्टन है हमारे, उनसे भी मिलवाते हैं आपको थोड़ी देर में, बात करवाते हैं। मतलब खाके वाके निकलेंगे, सीधा कैबिन लेंगे और कैबिन से उठेंगे प्रयागराज एंट्री पे, हिलेंगे नहीं कैबिन से अब तो। यही है फिलहाल, चलते हैं अंदर नंदलाल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे और मेनू क्या क्या मिलता है, क्या प्राइस है सब बताता हूँ मैं आपको। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। तो गाइस रेस्टोरेंट हमारा जो है काफ़ी बढ़िया, इधर जो है आपको चाय पकौड़े वकौड़े मिलते हैं, उधर जो है मेन कोर्स है, आप जैसा खाना चाहे 20-25 मिनट रुकता है मैंने अभी पूछा और जैसा आपको खाना, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं। लंच अगर आपको करना है तो थाली वगैरह अवेलेबल है, मेन कोर्स भी, मैं आपको मेनू एक बार दिखा देता हूँ। और फिलहाल उस साइड जो है मिठाई विठाई का काउंटर भी, तो जैसा आप खाना चाहें ऑप्शन बहुत है। तो ये जो है वेज थाली यहाँ का और इसमें जीरा राइस है, ये दाल है और ये सब्जी है आलू की और ये पनीर है, रोटी है, सलाद है। तो वेस्ट थाली वगैरह है, लंच करना है तो आप लंच कर लीजिए मेरे साथ, आपके कैप्टन बैठे हैं भैया, नाम नाम क्या होता है, नाम नविंदर सिंह, नविंदर सिंह नाम है और ये भी जो है हमारे साथ आज खड़े हुए। आपका क्या नाम है भैया? अशोक कुमार। अच्छा आपका? अच्छा अच्छा, तो ये जो है मतलब पवन हंस के और ये UPSRTC के कंडक्टर है। और ये देख लीजिए थाली वाले, जो मैं टेस्ट करके बता देता हूँ आपको, रिव्यू दे देता हूँ बाहर जाके। A few moments later. खाना वाना जो खा लिया और खाना जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है, इतना बढ़िया मैंने चलते चलते और कहीं नहीं खाया। से जो थाली मैंने आपको दिखाई वो सिर्फ 100 रुपीज़ का है। दाल है, दाल तो बहुत ही बढ़िया है, जीरा राइस है, रोटी है, पनीर है, वो जो बीच में आलू की सब्जी थी वो मैंने ज़्यादा खाई नहीं, क्योंकि भाई आलू के अलावा मैं कोई और सब्जी नहीं खाता। पर खाना जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है, मेरा रिकमेंडेशन है आप अगर यहाँ से जा रहे हो खाना वाना, अगर लंच डिनर कुछ करना है तो यहाँ पे थाली लीजिए, बहुत ही अच्छा पेट भर के खाना खाएंगे 100 रुपीज़ में। और अगर थाली वाली नहीं खाने का मन है, चाय मिठाई समोसा कचोरी चाट, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है भाई। और साफ़ सफाई अपने देखा अंदर जो है पोछा वोछा लगी रहा था, तो बढ़िया यार। तो जर्नी को भी कंटिन्यू करेंगे, हमारा रेस्टॉप ऑलमोस्ट ओवर हो गया, बस फटाफट से एक थंबनेल शूट करता हूँ और निकलते हैं यहाँ से। वॉल्वो बनी कंफर्टेबल जर्नीस के लिए। क्या बात हो गई,
साइड तो करें देख ही रहे हैं उनकी वजह से जो है बस लेट हो रही है, नहीं तो पंक्चुअलिटी भाई टॉप नॉच है, पंक्चुअलिटी में कोई दिक्कत नहीं, सब टाइम से चलती है, बस ये छोटे मोटे चीज़ें जो रोड पे होती हैं इनकी वजह से लेट हो जाती है। तो गाइस पहुंचने वाले इलाहाबाद, अभी टाइम जो है 2:50 हो रहा है, तो थोड़ी सी लेट हो गई और ऑब्वियसली भाई रास्ते का जो हालत है भाई 4:30 में गाड़ी आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कह रहे हैं सुबह जो 6 आती है और रात को जो वहाँ से निकलती है वो बराबर 4 में जो है सिविल लाइन्स पहुँच जाती है, सिर्फ 4 में, और 4 में जो है 200 कवर करना इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी एवरेज स्पीड है। तो यही बात है फिलहाल, मतलब सोचिए ना इस रूट का क्या है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा इंडिसिप्लिन है बिल्कुल भी, मतलब साइड नहीं हटते हैं, साइड देते नहीं है, और बाइक वाले या ऑटो वाले जो है किधर भी लगा देते हैं। तो ये भैया जो कह रहा था ना कि जितना हॉर्न और गैस दबा दे उतना में 4-5 देर आते ट्रिप हो जाती, तो यही है क्योंकि भाई अब रोड की हालत आप देख रहे थे, आपने ड्राइविंग अच्छे से देखी, आपको पता है कि भाई ये वैसी हालत है, लोग साइड दे नहीं रहे और दिक्कत हो जाती है ना, 2 में वॉल्वो बस चलाना उस हालत में दिक्कत हो जाती है। तो गाइज अभी 2:55 हो रहे हैं और हम पहुंच गए सिविल लाइंस बस स्टॉप इलाहाबाद या प्रयागराज, जो भी आप बोलना चाहें क्योंकि भाई इलाहाबाद नाम से जानते हैं वही बोलेंगे। और देखिए बिल्कुल 4:30 का टाइम है, 4:30 में आ जाती तो गाड़ी जो है बिल्कुल टाइम से आ जाती, लेकिन भैया थोड़ा सा निकलने में लेट हो गए थे, गेट पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा था, और बाकी का जो हमारा 20-25 मिनट है वो नेता लोग खा गए, मतलब इतना गारंटी मेरी है क्योंकि मैं इतना ट्रैफिक के बाद आ गए, इतना गारंटी मेरी है कि अगर आप सुबह वाली सर्विस या शाम वाली सर्विस देते तो आप 4 में लखनऊ से प्रयागराज पहुंचेंगे, दिन के टाइम 4:30 या थोड़ा सा ज़्यादा उससे लग जाएगा क्योंकि भाई ट्रैफिक वाफिक वैसा ही है। सर्विस रिव्यू की बात करें, सर्विस काफ़ी बढ़िया है, सुगम सुरक्षित और आरामदायक, तीनों जो है जस्टिफाइड, इजीली आप डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे टिकट विकेट लेके, और सुरक्षित हो भैया बस है ही क्योंकि एक तो वॉल्वो है, ऊपर से आपके लिए सिस्टम्स आपने अंदर देखे कैसे कर रखे हैं, और आरामदायक की कोई बात नहीं होगी क्योंकि देखिए वॉल्वो, तो यही है, आराम से जो आप जर्नी करके आ सकते हैं इसमें। तो भैया ओवरऑल पंक्चुअलिटी, सेफ्टी, कंफर्ट तीनों जो है टॉप नॉच है इस बस में, और अच्छा लगा UPSRTC की सर्विस। आप मुझे बताइए कि UPSRTC की और कौन सी रोड कवर करने, और 6 रूट मैंने आपको बता दिया, लखनऊ से तो देहरादून, लखनऊ से चंडीगढ़, लखनऊ से प्रयागराज, और लखनऊ से, और 6 रूट मैंने आपको बता दिया, लखनऊ से जो है देहरादून है, चंडीगढ़ है, लखनऊ से प्रयागराज, और एक था कोई लखनऊ से अलीगढ़ वाया आगरा, तो ये 4 रूट लखनऊ से, और 2 दिल्ली से है जो कि दिल्ली देहरादून है, और है दिल्ली बरेली, तो ये 6 रूट है। आप बताइए कि 6 रूट में से आपको कौन सा और देखना, एक तो मैंने दिखा दिया, और फिर से जर्नी करूँगा मैं UPSRTC के साथ, मज़ा तो काफ़ी आया, और कौन सी RTC वीडियो देखनी है आप मुझे बताइए। फिलहाल के लिए आपके पास कितनी आई होंगी कितनी नहीं आएंगी मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत सारा ऑलरेडी शूटेड है आपके लिए, HRTC बोलिए, WBTC बोलिए, UTC बोलिए,
और बोलिए और कौन सी देखनी है। हाँ, मेरा मन है आपको जम्मू एंड कश्मीर वाली वॉल्वो दिखाऊं जो कि दिल्ली से श्रीनगर चलती है। फिलहाल वो बंद है, जम्मू तक ही चल रही है, लेकिन बाद में अगर चलेगी तो आपको बिल्कुल दिखाएंगे। साथ ही साथ आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दे भाई और कौन सी देखनी, क्योंकि आप कमेंट करोगे तब मेरे को लगेगा चलो व्यूअर्स ये मांग रहे और आपके पसंद का चीज़ ही तो हम देते हैं यार। तो ये जो है आपका अपना साथी UPSRTC वॉल्वोस के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कहते हैं आप सभी को अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर नहीं लगा होगा तो बताएं भाई क्या इंप्रूव हो सकता है, और डिसलाइक भी करते हैं ऐसा, लाइक करो तो डिसलाइक भी करो, मतलब जैसा आपको लगे। यही है हाँ, फिलहाल के लिए आप सभी को अलविदा, मिलेंगे फिर एक और ब्लॉग में। याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगलवार आपके साथ।